नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ही बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल। उनसे बड़ा आज तक कोई सिंगर हुआ भी नहीं। जब देश की सबसे बड़ी गायिका की बात होती है तो सबके जहन में एक ही नाम आता है और वो है लता मंगेशकर। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। वो कसम वादे निभाए, जो वादा किया वो निभाना पड़े। लग जा गले के फिर हसीना। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। वो एक मध्यम परिवार से, एक मराठी परिवार में पैदा हुई थी और उनका असली जो उनका नाम था, उपनाम, वो हार्दिकर था। बाद में उनके पिता दीनानाथ ने उपनाम बदलकर मंगेशकर रख लिया। इस सरनेम के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। दरअसल लता के पिता दीनानाथ के परिवार का मूल उपनाम हार्दिकर था, क्योंकि इनके परिवार को मंगेशी मंदिर के शिवलिंग के लिए अभिषेक का पारंपरिक सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः उन्हें अभिषेक की उपनाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि दीनानाथ ने अपने पिता के परिवार के दोनों ही उपनामों को नहीं अपनाया। उसका कारण यह था कि उनकी मां येसुबाई राणे गोवा के देवदासी समुदाय से थी, जो अब गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चूंकि वो परिवार सहित गोवा के मंगेशी गांव में रहते थे और दीनानाथ भी वहीं पैदा हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपना उपनाम बदलकर मंगेशकर रख लिया, जिसका अर्थ था मंगेश के द्वारा, जो संयोग से मंगेश देवता, मंगेशी मंदिर के देवता का नाम भी है। देवनाथ की अपनी थिएटर कंपनी थी और वो शास्त्रीय गायन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें बहुत पसंद था शास्त्रीय गायन। जब उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम उन्होंने रखा था हेमा मंगेशकर, लेकिन उन्हीं के एक नाटक में शामिल किरदार लतिका उन्हें इतनी पसंद आई लतिका कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी लता रख दिया। लता जी का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ निकला था दोस्तों। साल 1942 में 13 साल की छोटी सी उम्र में ही लता के सिर से पिता का साया उठ गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके अपने कंधों पर आ गई थी और उन्होंने उसे निभाया भी था। उसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। हालांकि लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नहीं था दोस्तों, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए उन्हें मजबूरन ये करना पड़ा। मेरे ख्याल से वो 14 साल की थी और 14 साल की छोटी सी उम्र में लता मंगेशकर ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो हीरो या हीरोइन की बहन या दोस्त के साइड कैरेक्टर के रूप में रोल करती थी। दोस्तों लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए सिर्फ 25 रुपए मिले थे और उसे वो अपनी पहली कमाई मानती थी। उन्होंने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किता हसाल के लिए गाना गाया था। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोंसले, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी ने संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना था, अपने करियर के रूप में अपनाया था। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ उन्होंने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं। जिनमें से कामा पूर्ता नामा में गाया हुआ गाना आशा निशा पूर्ता कड़ी बहुत फेमस हुआ था। यह गाना दोस्तों करियर की शुरुआत में जब बॉलीवुड में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसे दिग्गज सिंगर राज कर रहे थे, उस वक्त लता को कई बार
रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जो कड़वी सच्चाई है जो बड़े बड़े लोगों को देखनी पड़ी है। शुरुआत में बहुत से लोगों ने लता की आवाज को पतली आवाज बताया था और बहुत कमजोर बताकर खारिज कर दिया था कि इनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, बहुत पतली आवाज है। लेकिन लता भी अपनी धुन की पक्की थी, उन्होंने भी सोच रखा था, उन्होंने सबकी बताई गलतियों से सबक लिया, सीखा और फिर आगे चलकर अपने आप को इतना पॉलिश किया कि दुनिया में अपना नाम बनाया, सब जानते हैं। लता की आवाज को पतली बताने वाले पहले इंसान कौन थे जानते हैं आप? मशहूर फिल्मकार शशधर मुखर्जी। एक बार लता के गुरु सलाम हैदर साहब ने शशधर मुखर्जी को दिलीप कुमार और कामिनी कौशल स्टारर मूवी शहीद के लिए लता की आवाज सुनाई थी। मुखर्जी ने पहले तो उसे बड़े ध्यान से सुना और फिर कहा कि वो इन्हें अपनी फिल्म में काम नहीं दे पाएंगे क्योंकि लता की जो आवाज है वो बहुत पतली है। और वहीं एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि गुलाम हैदर साहब, लता और दिलीप कुमार मुंबई की लोकल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ऐसे में हैदर ने सोचा कि क्यों ना दिलीप कुमार साहब को भी लता की आवाज सुनाई जाए। उन्होंने सोचा शायद उनकी आवाज सुन के वो उन्हें कुछ काम दे। फिर लता ने जैसे ही गाना शुरू किया तो दिलीप कुमार ने उन्हें बीच में रोक दिया और बीच में रोकते हुए जानते हैं क्या कहा? उन्होंने तंस कसा और कहा कि मराठियों की जो आवाज है उसमें से मुझे दाल भात की गंध आती है, दाल भात। उनका इशारा लता के उच्चारण पर था। अनिल दा ने कहा कि यूसुफ, ये लता मंगेशकर है, बहुत अच्छा गाती। तो यूसुफ भाई ने जरा सा चेहरा ऐसे करके कहा, क्या है मराठी लोगों के बोलों में थोड़ा दाल भात की बू होती है। मुझे वो बात बहुत अजीब लगी, मैंने कहा ये ठीक नहीं लता। इसके बाद लता ने हिंदी और उर्दू सीखने के लिए एक टीचर भी रखा और अपना एक्सेंट बिल्कुल सही किया। तो एक मौलाना थे, महबूब उनका नाम था, उन्होंने मुझे उर्दू चालू किया। दिमाग में वो था कि दाल भात जो है वो नहीं होना चाहिए। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लता जी ने पहली बार मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना तो गाया था, लेकिन उनके पैसे भी उन्हें मिले थे, लेकिन वो फिल्म के फाइनल कट में उस गाने को निकाल दिया गया था, रिजेक्शन। उन्हें बुरा तो लगा लेकिन कर भी क्या सकती थी, उस वक्त वो स्ट्रगल कर रही थी। फिर आई एक और मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में उन्होंने एक गाना गाया। दोस्तों हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री हुई थी साल 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा। फिर तो लता जी का जो सफर शुरू हुआ है वो कितने ही सालों तक चलता रहा, फिर उन्होंने मुड़के नहीं देखा। लता मंगेशकर की पहली हिट फिल्म मानी जाती है 1949 में आई महल। वाओ क्या गाने थे इसके। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। लता जी रातों रात स्टार बन गई। ना कोई उसको हटा सकता है, मालूम होता है कि वो हमारे दिल की साख्त की एक मुस्तकिल चीज है। लता मंगेशकर, खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और शुरुआत में तो दोस्तों ऐसा था कि जो लता जी की आवाज थी, उस वक्त की मशहूर गायिका जो थी नूरजहां, उनकी गायकी का असर बहुत दिखता था। लोग कहते थे कि आपकी आवाज, आपकी गायकी उनसे बहुत रिजेंबल करती है। लता जी ने अपने आप को तैयार किया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना खुद का स्टाइल तैयार कर लिया। पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पिया हर हर पिया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं तो कब से खड़ी थी
उन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए हजारों गाने गाए हैं दोस्तों। उनकी आवाज में मिठास थी और जीवन के हर रंग में उनके गाने गाए बिल्कुल फिट बैठते थे, वो कोई भी गाना गाने। वो ऐसे गाती थी जैसे साक्षात देवी उतर आई हो। उन्होंने भजन गाए तो ऐसा लगा मानो खुद मीरा भाई इतिहास के पन्नों से बाहर निकल कर आ गई। और उनके गाए विरह गीतों में उदासी का वो मंजर दिखाया है जो इंसान की रूह तक को हिला देता है, रुला देता है। कहा जाता है कि 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के दौरान जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लता को ए मेरे वतन के लोगों गाते सुना था तो दोस्तों उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। आज भी इस गाने को कोई सुन ले, मेरे ख्याल से हर किसी फंक्शन में जब भी कोई देशभक्ति का गाना होता है तो उसमें इस गाने को जरूर बजाया जाता है। '62 में उनके साथ एक बहुत अजीब सी घटना भी हुई थी जिसने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक सबक दे दिया। उनके परिवार में खाना बनाने वाले कुक ने उन्हें पॉइजन दे दिया था, जहर दे दिया। वो 3 महीने तक बेड पर रही और उसके बाद उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। उस दिन के बाद से वो कुक पता नहीं कहां गया, उनके घर से वो भाग गया था। आज तक उस कुक का पता नहीं चला, ना तो उस कुक का पता चला और ना ही उस कुक के पीछे किसकी साजिश थी इस बात का पता चला। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लता मंगेशकर अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों में एक्टिंग भी करना चाहती थी और करती भी थी। उन्हें लीड रोल तो नहीं मिले थे लेकिन साइड रोल अक्सर उन्हें मिल जाया करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें दिग्गज बड़े डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म में अगली घर यानी बदसूरत लड़की कह दिया गया था। इस घटना से लता जी बहुत गुस्सा हुई थी। ये बात है 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण के समय की। राज कपूर इस फिल्म में लता मंगेशकर को कास्ट करना चाहते थे क्योंकि उनकी कहानी ही ऐसी थी। दरअसल इस फिल्म में एक ऐसी अदाकारा की जरूरत थी जिसकी आवाज बहुत सुरीली है लेकिन उनका चेहरा बहुत नॉर्मल है। एक तरह से बाद में आपने ये फिल्म देखी होगी, बदसूरत ही दिखाया गया था जीनत अमान को। राज कपूर उस फिल्म में दिखाना चाहते थे कि विश्वास, प्यार और निस्वार्थ संबंधों पर आधारित होता है प्यार, ना कि शारीरिक खूबसूरती पर। लता मंगेशकर को भी इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी। यह फिल्म की कहानी कोई भी सुनता तो उस वक्त हर किसी को पसंद आती, हर कोई इसके लिए तैयार हो जाता और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हां भी कर दिया था। वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं इस फिल्म में काम करूंगी, कहानी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के शुरुआती प्रचार के दौरान यह कहा गया कि लता मंगेशकर को इसलिए फिल्म में कास्ट किया गया है कि वो आवाज उनकी बहुत खूबसूरत है और इसीलिए ये कैरेक्टर के साथ जाती हैं क्योंकि उनका जो चेहरा है वो एक तरह से आवाज खूबसूरत है और चेहरा बदसूरत है तो कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, इस वजह से उनको कास्ट किया गया है। लता मंगेशकर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई और उन्हें ये बात बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोस्तों लता जी को जब इस बात का पता चला तो ये बात उनके दिल पर लगी, सीधी यहां लगी। वो राज कपूर की बहुत इज्जत करती थी, उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें एक बदसूरत लड़की के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये तो एक नुमाइश है। उन्होंने उस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। जब राज कपूर को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि यार अब क्या होगा, लता जी की नाराजगी मैं कैसे दूर करूं कैसे, तो वो अपनी पब्लिसिटी टीम पर बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने लता मंगेशकर से माफी मांगते हुए उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया। उन्होंने कहा कि लता जी आप कैमरे के सामने नहीं आ सकती तो फिल्म आप अब फिल्म में गाने गाइए, प्लीज गाने के लिए मना मत कीजिए क्योंकि आपकी आवाज के बिना ये फिल्म अधूरी है। जब ऐसी सुरीली आवाज की कहानी इस फिल्म में है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लता मंगेशकर की आवाज उस गाने में ना हो, वो भी जानते थे कि उनकी कितनी अहमियत है। राज कपूर की इस फिल्म में लता मंगेशकर ने पर्दे पर आकर कोई गाना तो नहीं गाया लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी ये बात रखी और इस फिल्म में उन्होंने गाने गाए, अपनी आवाज दिया और देखिए क्या कमाल हुआ है उसके बाद। इस फिल्म में लता की जगह बाद में जीनत अमान को लिया गया था।
जिनके चेहरे को मेकअप के जरिए बदसूरत, जी हां बदसूरत दिखाया गया था। तो ये बात सही थी, लता जी ने जो सुना था कि बदसूरत ही दिखाना था उस कैरेक्टर को। फिल्म सुपरहिट हुई और इसके गाने एक अरसे तक लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए रहे। हालांकि लता मंगेशकर के लंबे फिल्मी सफर में उनका नाम कई फिल्मी और गैर फिल्मी पुरुषों के साथ तो जुड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। उन्होंने बताया कि शादी का ख्याल तो मेरे मन में भी आया था, लेकिन आई एम सॉरी, मैं उस पर अमल नहीं कर पाए क्योंकि बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी और मेरे पास बहुत ज्यादा काम भी रहता था। सिर्फ 13 साल की थी मैं, इतनी छोटी सी उम्र में ही पिता का साया मेरे सर से उठ गया था और इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। तो शादी का ख्याल तो दूर दूर तक मेरे ना तो जहन में आया और मैंने इसे मन से भी निकाल दिया। गौरतलब है कि लता मंगेशकर, उनको मिला के कुल 5 भाई बहन थे। इनमें लता के अलावा मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ उनसे छोटे हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी, खास तौर पर सचिन तेंदुलकर का गेम उन्हें बहुत पसंद था। जब भी जिस मैच में सचिन खेलते थे, लगभग उन सारे मैचों को वो देखती थी। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में उनके लिए एक परमानेंट गैलरी रिजर्व है ताकि वहां से वो अपना फेवरेट गेम क्रिकेट एंजॉय कर सकें। दोस्तों, लता जी बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाई थी, लेकिन दुनिया की 6 बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है। लता मंगेशकर को हवाई यात्रा से बहुत डर लगता है, वो हवाई सफर नहीं कर पाती थी। यही वजह है कि जब फ्रांस की सरकार ने उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया तो लता ने मुंबई आकर ये अवार्ड देने के लिए उनसे गुजारिश की थी कि भाई मैं नहीं आ सकती, बाय प्लेन आप प्लीज खुद आके अगर मुझे अवार्ड दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लता मंगेशकर को भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित 3 राष्ट्रीय और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। 1974 में लता मंगेशकर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली इंडियन बनी थी। दोस्तों साल 2011 में लता जी ने आखिरी बार विनीत खेत्रपाल की फिल्म सतरंगी पैराशूट के लिए गाना गाया था। उसके बाद से आगे उन्होंने कभी ऐसा कोई सिंगिंग की नहीं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ साल पहले संगीतकार मयूरेश पाई के निर्देशन में राम रक्षा सूत्र भी रिकॉर्ड करवाया था। दोस्तों, 6 फरवरी 2022 को लता जी हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने अलविदा कह दिया इस दुनिया को और संगीत को। संगीत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके जाने से, हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। उनकी आवाज हमेशा दिमाग, दिल और हमारे जहन में हमेशा छाई रहेगी। उन्हें कभी कोई भूल नहीं सकता। भारत के स्वर कोकिला लता मंगेशकर को हमारा सलाम है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम बॉलीवुडी बॉलीवुड। मैं फिर मिलूंगा आपसे और भी बॉलीवुड के किस्से और रोचक कहानियों के साथ। तब तक मुझे यानी अफजल को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।